प्रदेश के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र लगातार चल रहा है और इस सत्र में इस बार इतिहास के पन्नों में राजनीति के लिहाज से एक बात दर्ज हो जाएगी कि पहला दिन होगा सत्र का जब सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, अपनी बात रखेंगी। हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मैम नेटवर्टन में आपका। ये कल राजनीति के लिहाज से बहुत कुछ अलग होने वाला है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए महिलाओं को सम्मान दिया। चूँकि हमारी भारतीय परंपरा शुरू से ही रही है नारियों का प्रॉपर सम्मान किया जाए, तो हम समझते हैं कि और विधानसभा में इस तरह का एक कार्यक्रम रख के एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि शक्ति मिशन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही चलाया था और उस फेस के अंतर्गत नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन तीन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कार्य भी किया पिछले 5 वर्षों में। अब आने वाला ये जो 5 साल है, इस पर हम उसी को आगे का रूप में लेके जा रहे हैं। तो सभी महिलाओं को बोलने का अधिकार रहेगा और हमारी महिला विधायक क्या सोचती हैं विधायक बनने के बाद और उनको क्या क्या अधिकार मिल रहे हैं इस शक्ति मिशन के अंतर्गत, वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को किस तरह लाभ पहुंचा रही हैं, उनकी सुरक्षा की बात कानून के में हो रही है, ये सारी बातों को लेकर विधानसभा में हम सभी लोगों को प्रस्तुतिकरण देना है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि नारी और पुरुष समाज के दो पहिए हैं, दोनों पैलर गाड़ी जब चलती है तभी समाज की दिशा बदल सकती है। एक पहिया या लचर पचर है तो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी, तो इसलिए दोनों पहियों को समान रूप से चलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम समझते हैं कि वो अपने कार्यों को अच्छी तरह से करें, इसके लिए काम भी हो रहे हैं। आप एक मैम महिला भी हैं और राज्यमंत्री भी हैं, बड़ा पद भी है और बड़ी जिम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े करता है कि आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चूंकि आप खुद एक महिला हैं तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में महिलाओं को आज सुरक्षा के लिहाज से क्या कह सकते हैं? अभी जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो 12 में जो गवर्नमेंट थी उसमें तो महिलाएं एकदम नहीं सुरक्षित थी। अब तो फिर गवर्नमेंट में इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं फिर भी बहुत सुरक्षित हैं। और देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से सभी एक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे मानसिक रूप से सभी लोगों को बदलने की आवश्यकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, हमें संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। संस्कार यदि नहीं होंगे तो ये सुरक्षा की जो हम लोग दे रहे हैं ये बात अधूरी रह जाएगी कहीं ना कहीं। जहाँ भी कहीं घटनाएं होती हैं, कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं या कुछ ऐसी अपराधी तत्व समाज में पाए जाते हैं जो मानसिक रूप से विकृत होते हैं और हम समझते हैं उनका बचपन बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है, वो ऐसे ही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये जो मनोविज्ञान कहता है। हमने सारी चीज़ों को देखा है, बसपा की गवर्नमेंट भी देखी, सपा की भी देखी है और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भी है। इसमें महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं मिला है और महिलाओं का प्रॉपर सम्मान है, सभा हो चाहे कोई भी बात हो, प्रॉपर बैठने की जगह, प्रॉपर व्यवस्था है। तो हम समझते हैं कि महिलाओं को किसी भी तरह से ऐसी कोई बात नहीं आ रही जो उनको हीनभावना को लेकर उनके अंदर भावना आए और उनका प्रॉपर सम्मान हो रहा है। जिससे भी बात की जा रही है सब लोग मान रहे हैं कहना और हर सवाल का जवाब है गवर्नमेंट के पास, कोई बोलता है करने के लिए। मैम, तो कल जब सदन में जब महिलाएं बोलेंगी तो पूरा प्रदेश सुनेगा, पूरा देश सुनेगा। यकीनन तौर पर विपक्ष के सवाल भी होंगे और उन विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विधायक हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा मैन रोहित के साथ मैं एन के तिवारी, नेटवर्टन, लखनऊ।